आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडियन मेडिकल काउंसिल IMA आगरा के चुनाव में कई पदों पर दावेदार नहीं मिले हैं। नामांकन शुल्क बढ़ने से भी दावेदारों में कमी आई है। रविवार को नामांकन का अंतिम दिन था, 27 मार्च को मतदान होगा। इंडियन मेडिकल काउंसिल IMA आगरा के चुनाव में कई पदों पर दावेदार नहीं मिले हैं। नामांकन शुल्क बढ़ने से भी दावेदारों में कमी आई है। रविवार को नामांकन का अंतिम दिन था, वहीं 27 मार्च को IMA का मतदान होगा। ये हमेशा परंपरा रही है IMA की, खासतौर से कहूँगा आगरा IMA की, कि इसमें संचालन समिति पूरा हफ्ते भर के 15 दिन तक बहुत संघर्षपूर्ण मेहनत करती है और इलेक्शन भी बहुत रोमांचक होता है और कराने के बाद उसी दिन शाम को 9-10 बजे तक चुनाव परिणाम भी आ जाते हैं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क 15,000 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से अन्य पदों के लिए भी नामांकन शुल्क बढ़ा दिया गया है। इससे सदस्य सेंट्रल काउंसिल, सदस्य स्टेट काउंसिल के सभी पदों के लिए नामांकन नहीं हुए हैं। IMA का इलेक्शन 27 तारीख को निर्धारित है और ये अग्रसेन भवन लोहा मंडी पे होगा वोटिंग। इसमें जो अभी तक बड़ा बढ़िया जो नामांकन दर्ज हुए हैं वो अध्यक्ष पद के लिए हुए हैं। अध्यक्ष पद में सबसे पहला नाम डॉक्टर मुकेश गोयल का आया था, जो कि टाम जमुना क्षेत्र से हैं। दूसरा नाम डॉक्टर CR रावत से आया था, जो कि शहर के प्रख्यात इधरों विशेषज्ञ और सेंट्रल IMA से। और तीसरा नाम जो आज का जलवा है, अनूप दीक्षित, पुराने हमारे सेक्रेटरी और सिकंदराबोदला क्षेत्र से उनका है। तो ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। वहीं कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों के लिए जिनके पद हैं उतने ही आवेदन प्राप्त हुए हैं, इससे मतदान की जरूरत नहीं होगी। अध्यक्ष निर्वाचित पद के लिए 3 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। नामांकन शुल्क से IMA आगरा में 3.17 लाख 3,17,000 रूपए जमा हुए हैं। चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर रवि मोहन पचौरी ने बताया कि 27 मार्च को मतदान होगा। इलेक्शन तो जो एक ट्रेडिशन है, एक सिस्टम बना हुआ है IMA के इलेक्शंस का, और उसी सिस्टम के अनुसार इलेक्शन संपन्न होंगे 27 तारीख को। और ये देखेंगे पहले कि किस किस पोस्ट पे इलेक्शन होने हैं। अभी तो क्लियर नहीं है कि सभी पोस्टों पे कितने नामांकन आए, केवल अध्यक्ष पद पे ज़रूर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर उपाध्याय जी ने अभी बताया आपको, बाकी पोस्टों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। तो जो भी है, कोशिश तो हमेशा IMA में यही रहती है कि बिना इलेक्शन के आपसी सहमति से लोग चुन लिए जाएं, और यदि आपसी सहमति से नहीं हो पाया तो हमें इलेक्शन कराना होगा 27 तारीख को। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर JN टंडन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार वे चुनाव समिति में नहीं है। 5 सदस्यीय समिति में डॉक्टर रवि पचौरी, डॉक्टर राजीव उपाध्याय, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर धाकरे, डॉक्टर अशोक शिरोमणि हैं। नामांकन वापस लेने की तिथि 20 मार्च है। टी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।